हेलो एंड वेलकम टू इंडिया इंस्टीट्यूट विद वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ मेरे प्यारे बच्चों हमने शुरू किया था यहाँ पे एनिमल डिजीज और डिजीज में हमने बैक्टीरियल डिजीज पड़ा था बैक्टीरियल डिजीज पड़ा था और भी बायोलॉजी हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा पे प्लेलिस्ट देखिएगा बायोलॉजी की उस बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर ये जो फोर्टीन लेक्चर है ये आधा रह गया था और मैंने कुछ और पार्ट शुरू कर दिया स्किप हो गया था आई एम वेरी सॉरी तो आप बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की कि सर ये लेक्चर आधा है इसमें कुछ डिजीज स्किप हो गई है तो जब आप लेक्चर नंबर फोर्टीन देखेंगे तो वहां आखिर में मैंने बोला हुआ है अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे साइफिल्स क्या होता है टेटनस क्या होता है और टाइफाइड क्या होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज ये बात मैंने वीडियो के एंड पे बोली हुई है अब मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूं यानी कि बाकी बैक्टीरियल डिजीज को कंप्लीट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर फोर्टीन के बाद ये आज वाला लेक्चर पार्ट फोर्टीन बी है इसी सीक्वेंस से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं चलेगा यहां पर टंकी चल रही है। तो अब हम इसको करते हैं साफ आगे देखिए पढ़ रहे, रहे हैं हम वही डिजीज यानी कि हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरियल डिजीज में निमोनिया हमने पढ़ दिया था नमोनिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लाता कौन है यानी कि पैथोजन कौन है तो डिप्लोकोकस निमोनियाई इसका वेक्टर कौन है तो वाटर या लिक्विड मीडियम से घर के अंदर आता है निमोनिया से कौन से ऑर्गन में इंफेक्शन होता है तो लंग्स में लंग्स के अंदर एल्विलाई में एल्विलाई पढ़ाया था क्या होता है ये चीजें हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में एलविलाई में लंग्स में फर्क पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन होता है सांस लेते दिक्कत आती है और जब निमोनिया होता बंदे को तो हम बोलते इसको कोल्ड हुआ है या छाती में दर्द हुआ है यह मतलब होता है निमोनिया का अब मेरे प्यारे बच्चों आगे आता है अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे आगे आता है साइफिल्स अब ये साइफिल्स क्या बीमारी होती है सबसे पहले ये एक ऐसी बीमारी है ये एक किस्म की सेक्सुअल डिजीज है जो साइफिल्स होती है ये एक सेक्सुअल डिजीज है सेक्सुअल डिजीज होने के साथ साथ ये बैक्टीरियल डिजीज भी है तो एग्जाम में पूछ सकता विच फॉलोइंग इज सेक्सुअल डिजीज प्लस बैक्टीरियल डिजीज तो ये बैक्टीरियल डिजीज भी है और ये सेक्सुअल डिजीज भी है उसके अलावा ये लाता कौन है बीमारी करता कौन है तो ये करता है ट्रिप्नोमीना पैलाडियम इसका नाम है ट्रिप्नोमीना पैलाडियम इससे हमारे यूरेनरी सिस्टम में इंफेक्शन होता है किडनी में इन्फेक्शन होता है और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जब हम यूरिन करते हैं जलन फील होती है कभी कभार ब्लड भी आता है यूरिन से यूरिन से ब्लड आता है और यूरिन करते वक्त जलन होती है ये क्रिएट कौन करता है विच ऑफ दी फॉलोइंग पैथोजेन ऑफ साइफिल तो ट्रिपिनोमिना पैलाडियम सेक्सुअल डिजीज भी है और ये बैक्टीरियल डिजीज भी है उसके बाद आपने बड़ी बार सुना होगा टेटनस टेटनस ऐसी बीमारी है जिससे हमारे जो जा है हमारे जबड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं हमारा जबड़ा जो है लॉक हो जाता है ना मुंह पूरा खुलता है और जब बंद करते हैं तब दर्द होता है इसका जो बैक्टीरिया है यानी कि पैथो उसको बोलते हैं कलेस्ट्रीडियम टिटनाई क्या है ये कलेस्ट्रीड्रियम टिटनाई और ये बीमारी ज्यादातर गंदी मिट्टी की वजह से होती है इसकी वैक्सीन डीपीटी अब डीपीटी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी हुआ है अब डीपीटी की फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे और टेटनस से क्या होता हमारा नर्वस सिस्टम में इंफेक्शन होता है नर्वस सिस्टम।, अब ये बात याद रखना। नर्वस सिस्टम में इंफेक्शन होती है तभी हमारे जबड़े हमारे मसल्स मूवमेंट नहीं करते हैं क्योंकि मैसेज नहीं आता ना दिमाग के पास उसके बाद आगे टाइफाइड तो आपने सुना है टाइफाइड जो है हवा से या पानी से आती है टाइफाइड ऐसा बुखार है ऐसी बीमारी है जिसका पैथोजन कौन सा है सेलमो टाइफी टाइफाइड किसकी वजह से होता है तो टाइफाइड होता है सेल्मो टाइफी की वजह से हवा से बीमारी आती है पानी से आती है इसका एक टेस्ट भी होता है इसको वाइडल टेस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको वाइडल टेस्ट तो ये कुछ एक पेंडिंग थी हमारी बैक्टीरियल डिजीज फंगल डिजीज तो नहीं हमें पढ़नी है अब हम पढ़ते हैं वायरल डिजीज क्या होती है वायरल डिजीज भी हमारे सिलेबस में है अब हम ये पढ़ते हैं वायरल डिजीज और मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा था कि वायरल डिजीज शुरू से नहीं पढ़ाई है तो वो मैं पढ़ाने लगा हूं आज देखो वायरल डिजीज सबसे पहले याद रखो कि वायरल डिजीज होती किसकी वजह से है तो ये वायरस की वजह से किसकी वजह से वायरस की वजह से वायरस के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रख दो स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरस को लिवेंस्की ने डिस्कवर किया था वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय लिवेंकी और वायरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी बायो की जिसमें हम वायरस को पढ़ते हैं और लिवेंसकी को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है ठीक है आप मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपको पता है वायरस जो है ये तीन किस्म के होते एक होते हैं प्लांट वायरस एक होते हैं एनिमल वायरस और एक होते हैं बैक्टेरियो वायरस प्लांट वायरस वो वाले वायरस होते हैं जो प्लांट में लगे होते हैं जैसे आपने सुना होगा तबाको मोसाइक वायरस ठीक है ना तबाको मोसाइक वायरस को पहली बार डिस्कवर किया गया था एनिमल वायरस में जैसे रिट्रो वायरस होता है और रेबीज होता है कुत्ते के काटने वाला रिट्रो वायरल जिन से एड्स होता है बैक्टेरियो फेग वायरस इनको बैक्टेरियो फेग इसलिए बोलते हैं फेग का मतलब होता है खाना ये वाले जो वायरस हैं ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं गंगा के पानी में जो बैक्टीरिया हैं उनको जो खाता है बैक्टीरिया और वायरस उसको बोलते हैं मैक्रोफेग मैक्रोफेग इसका नाम है और ये बैक्टीरिया को खाता है और ये कहाँ पे होता है यहाँ लिखा है ये गंगा के रिवर में होता है गंगा रिवर में कौन सा कौन सा वायरस पाया जाता है तो गंगा रिवर में बैक्टीरियोफेग वायरस पाया जाता है ये क्या करता है ये बैक्टीरिया को खाता है जिससे गंगा का पानी गंदा नहीं होता अब हम इसकी कुछ डिजीजे पढ़ दी हैं लेक्चर 14 में 14 से आगे पढ़ा है अब यहां कुछ पढ़ेंगे एक तो कॉमन कोल्ड होता है कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है तो ये राइनो वायरस की वजह से बस आपको ये चीजें याद रखनी है कॉमन कोल्ड इज काज बाई राइनोवायरस इससे हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन होता है यानी कि हमारा गला खराब होता है छाती खराब होती है नाक के अंदर जलन होती है और ये हवा से बीमारी आती है दिस इज एयर बोर्न डिजीज वायरस वाली बीमारियां जनरली हवा से ही आती हैं ठीक है तो कॉमन कोल्ड के बारे में याद रखना कास्ट बाई राइनो वायरस बास इतना उसके बाद आपने नाम सुना होगा डेंगू वायरस या सॉरी डेंगू जो डेंगू है ये इतना खतरनाक बुखार होता है इसको ये एल की जगह आर है इसको ब्रेक फीवर बोलते हैं, यानी इसको बोलते हड्डी तोड़ बुखार जब डेंगू होता है तो इंसान बहुत ज्यादा मजबूर होता है, है यानी हड्डी तोड़ बुखार डेंगू लाता कौन है इसका पैथोजन कौन है तो इसका पैथोजन अरबो वायरस ये मैंने आपको ब्लड टॉपिक में भी पढ़ाया हुआ है डेंगू जो है किसकी वजह से होता है अरबो वायरस और इसका वेक्टर है लाता कौन है घर में तो फीमेल एडीज एजिप्टी कौन फीमेल एडीज एजिप्टी ये फीमेल मॉस्किटो है ये डेंगू के पैथोजन को घर पे लाती है अब आपको पता है जब डेंगू होता है तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है इससे हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जब मैंने आपको बायो में ब्लड में आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होते डिक्रीज और फिर बकरी का दूध पिया जाता है तब मैंने आपको बोला था बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं याद आ रहा अब डेंगू के बाद आता है स्मॉल पॉक्स जो स्मॉल पॉक्स है ये वायरल डिजीज तो है ही इसके अलावा ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है ज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजन कौन है इसका तो वेरियोला वायरस यानी करता कौन है तो वेरियोला वायरस आती कहां से बीमारी तो हवा से आती है दिस इज एयरबोर्न डिजीज ठीक है हमारी बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते छाले हो जाते हैं इससे ब्लड प्रेशर इससे ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ता है और इससे बहुत हाई बुखार हो जाता है हमारी बॉडी में रेड रेड रैशे पड़ जाते हैं जहां दाना होता है वहां हम खारिश करते तो निशान पड़ जाता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है स्माल में। तो पॉक्स में आपको सिर्फ याद रखना कि किसकी वजह से होता है वेरियोला वायरस की वजह से बस अब उसके बाद चिकन पॉक्स ये भी आपको पता है चिकन पॉक्स के बारे में सबको जनरली पता ही होता है ये करता कौन है तो जूस्टर कौन करता है वेरीसोला जूस्टर और इसका अपना डीएनए होता है ये भी खुद को और जनरेट करता रहता है नई कॉपी बनाता रहता है चिकन पॉक्स का जो वेरियोला वायरस है वेरियोला जूस्टर वायरस है ये भी हवा से आता है और आपको बता दू चिकन पॉक्स डिजीज भी कम्युनिकेबल डिजीज है ये भी एक बंदे से दूसरे बंदे में चलती है और आखिरी में पोलियो के बारे में तो याद रखना ही रखना है पोलियो भी एक वायरस डिजीज है वायरल डिजीज और पोलियो डे 24 अक्टूबर को बनाया जाता पोलियो का पैथोजन कौन है तो एंटीरो वायरस या इसको पोलियो वायरस भी बोलते हैं पेपर में जब भी पूछेगा पोलियो वायरस का पैथोजन कौन सा है तो पोलियो वायरस नहीं बोलेगा तो वो एंटीरियो वायरस का ही एग्जामिनर ऑप्शन देता है पोलियो वायरस को घर में कौन लाता है तो हमारे घर की मक्खी हाउस फ्लाई या ये हवा से आता है पोलियो से या तो आपको पता है हमारे मसल या न्यूरॉन इफेक्ट हो जाते हैं टांगे काम नहीं करती हैं है बंदा चल नहीं सकता सीधा खड़ा नहीं हो सकता है इससे पैरालिस हो जाता है लेग्स में या बैकबोन में कमर में पैरालिस हो जाता तो इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता लेग में पैरालिसिस होता तो इंसान स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता है तो ये पोलियो है पोलियो डे याद रखना पोलियो का वायरस इंटीरियो वायरस हाउस फ्लाई से होता है और इससे मसल वगैरह में इफेक्ट होता है पोलियो वैक्सीन के बारे में भी याद रखना जो पोलियो वैक्सीन है ये पहली बार एल्बर्ट सेबीन ने डिस्कवर की थी पोलियो वायरस की जो डिजीज है सॉरी जो वैक्सीन है दवाई है ये एल्बर्ट सबीन ने पहली बार डिस्कवर ठीक है पोलियो वैक्सीन अब एड्स के बारे में भी जरा सवाल आते हैं पेपर में क्या क्या सबसे पहले के एड्स का पैथोजन कौन सा है तो इसका पैथोजन है एच आई वी एच आई वी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस यानी कि इंसान की इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है इम्यून सिस्टम का मतलब होता हम है हम ढेर सारी बीमारियां लगती हैं डब्ल्यू बी सी वीक हो जाते हैं बीमारियों का ग्रुप हो जाता है जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और एच आई वी होता रिट्रो रिट्रो फाइ रिट्रो फैमिली का एक वायरस है जिसको बोलते हैं रिट्रो वायरल फैमिली ठीक है ना रिट्रो वायरल फैमिली सा का है जो बैक्टीरिया है पैथोजन बैक्टीरिया नहीं सॉरी वायरस है वायरस वेरी सॉरी पैथोजन है जो वायरस इससे एड्स होता है और ये क्या करता है हमारे डब्ल्यू बी सी को खाता जाता खाता जाता खाता जाता जब डब्ल्यू बी हो जाते कम तो हमारी बॉडी में लगती ढेर सारी डिजीजेस क्योंकि डब्ल्यू बी सी की कमी से मैंने आपको पढ़ाया था इसको बॉडी गार्ड सेल बोलते हैं सोल्जर सेल बोलते हैं प्रोटेक्ट करते हैं तो जब ये रहेंगे नहीं तो बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा एड्स से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एड्स की दवाई कौन सी है ड्रग कौन सी है तो एजिडोथाइमाइडाइन एजिडोथाइमाइडाइन क्या है एड्स की बीमारी और आपने सुना होगा इसका टेस्ट अलाइजा टेस्ट अलाइजा की फुल फॉर्म होती है एनजाइम लिंग्ड एम्यूनोसारिंग्ड एम्यूनोसारबेंट एसे, ये इसका टेस्ट है यानी कि जब भी किसी को एड्स का टेस्ट करना हो तो हॉस्पिटल वाले मेडिकल वाले इसको अलाइजा टेस्ट लिखते है. ठीक है अब हेपेटाइटिस ए क्या होता है बी क्या होता है ये लेक्चर नंबर 14 में आपने पढ़ा है लेक्चर हेपेटाइटिस ए से आगे नंबर 14 तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था अभी जो मैं बना रहा हूं ये लेक्चर नंबर 14 का पार्ट बी है पार्ट ए जो है वो हमने पहले ही पढ़ दिया है पार्ट ए ऊपर इसको आप सीक्वेंस से लिख लेना अब कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो तो उसको हम और सीक्वेंस से करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू Follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching.